मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे बातचीत करने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। हरियाणा में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से पैरालिसिस की स्थिति में है, पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, लोगों का समर्थन खो चुकी है और इसलिए किसी भी विभाग का कोई भी मंत्री अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से शुरुआत करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने 22 जिलों में जनसंवाद किया और 1694 इनको शिकायतें मिली। 22 जिलों में जब ये गए तो अलग अलग नगर निगम नगर निकाय से संबंधित, उनमें से 1532 शिकायतें अभी भी पेंडिंग है। जब हरियाणा का सबसे बड़ा व्यक्ति, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब जनसंवाद के लिए गया तो लोगों को यह उम्मीद जगी थी कि उनकी जो फाइलें सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई हैं, जो कोई सुन नहीं रहा है, उसका कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1694 में से 1532 अभी भी शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री का जनसंवाद पूरी तरह से फेल हो गया। मुख्यमंत्री के जनसंवाद में जो शिकायतें लोग लेकर के आए उनका समाधान नहीं हो पाया। इसका मतलब मुख्यमंत्री अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से फेल है। दूसरी चीज, तीर्थ यात्रा योजना पर हमने पहले भी यह कहा कि दिल्ली की तीर्थ यात्रा योजना की नकल करने की कोशिश की हरियाणा की सरकार ने, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ये भूल जाते हैं कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है और उस अकल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कर नहीं रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 83,000 बुजुर्गों को अभी तक तीर्थ यात्रा करा दी, मुफ्त में तीर्थ यात्रा करा दी। उसकी नकल करके अमित शाह जी की मौजूदगी में घोषणा तो हो गई हरियाणा में तीर्थ यात्रा योजना की, पंजाब में हरियाणा के बाद घोषणा हुई तीर्थ यात्रा योजना की। लेकिन आप देखिए कि पंजाब में पहली ट्रेन रवाना भी हो गई, अगले 95 दिनों के अंदर पंजाब के 53,000 बुजुर्ग मुफ्त तीर्थ यात्रा भी करेंगे सरकारी योजना के तहत। लेकिन हरियाणा में जो तीर्थ यात्रा योजना अनाउंस हुई थी उसका क्या हुआ? हरियाणा के बुजुर्ग कौन से तीर्थ पे जा रहे हैं या गए हैं, एक भी व्यक्ति का नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति अभी तक, एक भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, ना हरियाणा सरकार का कोई प्लान पब्लिक हुआ है कि आने वाले दिनों में वो तीर्थ यात्रा पर किसी को भेजने वाले। यानी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में हुई घोषणा के बाद भी सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। इसका मतलब सरकार योजना को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, मतलब पैरालिसिस की स्थिति में है, अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लड़कियों के लिए शिक्षा में जो 1,80,000 तक जो परिवार कमाते हैं उनके लिए फ्री होगी और जो 3,00,000 तक कमाते हैं परिवार उनके लिए 50% कंसेशन देंगे। हमने तब भी ये कहा था कि ये योजना नहीं है, सिर्फ घोषणा है, इसमें होगा कुछ नहीं, क्योंकि फ्री शिक्षा का अधिकार तो सबको है। अगर कोई गरीब लड़का अगर पढ़ना चाहता है तो क्या उसको फ्री शिक्षा का अधिकार नहीं है? ये सिर्फ लड़कियों तक इसको सीमित क्यों किया गया? और लड़कियों तक अगर सीमित किया गया तो उसमें ब्रैकेट क्यों डाल दिए गए कि 1,80,000 तक इनकम होनी चाहिए, 3,00,000 तक इनकम होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी का बहुत मजबूती से यह मानना है कि शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए। हरियाणा में पैदा हुए एक एक बच्चे को आम आदमी पार्टी मुफ्त शिक्षा और वर्ल्ड क्लास शिक्षा उपलब्ध कराएगी जब भी हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी। उसके बाद आता है गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज जी हैं, उनके विभागों में देखिए क्या चल रहा है। 372 पुलिसकर्मियों को अनिल विज जी ने पूरा रिसर्च करके, पूरी मेहनत करके यह कहा कि ये 372 पुलिसकर्मी सस्पेंड होने चाहिए। आज तक तो मुझे पता नहीं चला कि 372 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। किसी प्रदेश का गृह मंत्री अगर अपने ही मातहत आने वाली पुलिस से 372 ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं करा पा रहा जिनको वो समझते हैं कि वो ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, इसका मतलब गृह मंत्री के तौर पर
अनिल विज जी काम नहीं कर पा रहे, पैरालिसिस की स्थिति है, वो गृह मंत्रालय को चला नहीं पा रहे हैं। उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर आप देखें तो पिछले 56 दिन में सिर्फ 2 फाइलें क्लियर हुई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। 56 दिन में यानी लगभग 2 महीने में सिर्फ 2 फाइलें क्लियर हुई हैं। एवरेज 1 महीने में 1 फाइल क्लियर कर रहे हैं अनिल विज जी। 2500 फाइल पेंडिंग है स्वास्थ्य मंत्रालय में, अलग अलग प्रोजेक्ट से संबंधित, अलग अलग कामों से संबंधित। इस रफ्तार से अगर हम देखें तो अगले 100 साल में भी ये फाइलें क्लियर नहीं हो सकती। इसका मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय में भी काम पूरी तरह से रुका हुआ है, ठप है। अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी नहीं चला पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और बढ़ रहा है। तीसरा विभाग आता है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री तो वैसे ही दिग्गज हैं इस सरकार में, वो तो नित नए बयानों की वजह से पॉपुलर होते रहते हैं। वो तो ये कहते थे कि दिल्ली के स्कूलों के साथ कंपैरिजन कर लीजिए, ये अलग बात है कि जब उनको चुनौती दी हरियाणा के किसी भी स्कूल में विजिट करने की तो वो भाग खड़े हुए, उन्होंने वो विजिट नहीं किया हमारे नेताओं के साथ जाकर के। वो छुपा रहे थे कि हरियाणा के स्कूलों की क्या बदहाली कर दी है बीजेपी की सरकार ने, लेकिन सच छुपाए से भी छुपता नहीं है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के आदेश से यह साफ हो गया जब 5 लाख रुपए का जुर्माना हरियाणा सरकार पर लगाया गया। और किस चीज के लिए लगाया गया, सोच के देखिए किस हद तक गिरी हुई सरकार है ये। लड़कियों के लिए 500 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, लड़कों के लिए 1000 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। ये कहते हमने गांव जगमग कर दिए, हर गांव में बिजली पहुंचा दी, लेकिन 250 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, जहां पे बिजली का इंतजाम नहीं है। इन सारी वजहों से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई। शिक्षा मंत्रालय भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, शिक्षा मंत्रालय भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, फेल हो गया है। हरियाणा के स्कूलों में ना बेंच है, ना सुविधाएं हैं, ना गार्ड्स हैं, ना सफाई कर्मी है, ना टीचर्स हैं और ना ही बाकी स्टाफ और फैसिलिटीज है। यह बताता है कि हरियाणा के स्कूल पूरी तरह से बर्बाद कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, यानी शिक्षा मंत्री भी अपने काम को इस सरकार में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है नंबर आबकारी मंत्री का, जो डिप्टी सीएम भी है। आबकारी मंत्रालय में अभी यमुनानगर में आपने देखा 25 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी के, लेकिन इनके कान पे जूनी रहेंगी। पहले सोनीपत में कई लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पी के, फिर पानीपत में इस तरीके के केस आए, फिर सिरसा में 1-2 इस तरीके का केस आया, अब यमुनानगर में इस तरीके का केस आया। हम ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि सरकार की नाक के नीचे इतनी जगह पर जहरीली शराब के केस आ रहे हैं, और उसके बाद जब आबकारी विभाग कार्रवाई करता है तो कहता है हमने 466 जगह छापे मारे, 450 जगह पर हमने शिकायतें दर्ज की। तो ये क्या 450 लोग बिना सरकारी सरपरस्ती के, बिना किसी नेता का सिर पर हाथ हुए, अकेले अपने दम पे काम कर रहे थे? क्या हरियाणा के अंदर एनार्की चल रही है? क्या हरियाणा के अंदर कानून का राज नहीं है? इसका मतलब सीधा और स्पष्ट है कि प्यादों को पकड़ करके ये सरकार इस केस को रफा दफा करना चाहती है, सीबीआई और ईडी से जांच नहीं कराना चाहती, क्योंकि शराब घोटाले के किंग पिन को बचाना चाहती है हरियाणा सरकार। आबकारी मंत्रालय पूरी तरह से फेल हो गया अपनी जिम्मेदारी निभाने में। अभी पीछे जब रिकॉर्ड चेक किया गया जहरीली शराब के केस के बाद तो पता चला 9 लाख सरकारी स्टॉक से बोतलें गायब हैं, सरकारी रिकॉर्ड से बोतलें गायब हैं। 9 लाख बोतलों का मतलब कोई उनमें क्या जहरीली शराब भर के बेच रहा है? क्या उन बोतलों में नकली शराब बेची जा रही है? क्या उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस स्टॉक की? उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। यानी हरियाणा में पता नहीं हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है और आबकारी विभाग इस बारे में चुप्पी साधे बैठा है। इसका मतलब डिप्टी सीएम भी अपने विभाग में अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। आबकारी मंत्रालय भी कामकाज ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं करता। पूरे साल में इन्होंने कितने सैंपल उठाए, अगर वो आंकड़ा उठा करके आप देखेंगे तो 2-4 जगह से सैंपल उठाए होंगे, जबकि इनकी जिम्मेदारी है हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से इनको सैंपल लेने चाहिए थे। और आखिर में आता है
क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा। सबसे अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी का दिमाग खराब हो गया। कृषि मंत्री जी को किसानों की भलाई के लिए कृषि मंत्री बनाया गया है, लेकिन वो किसानों के बहन बेटियों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, किसानों के परिवार के ऊपर गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनका काम क्या था? उनका काम था किसानों को मुआवजा दिलाना। क्या बाढ़ का मुआवजा किसानों को मिल गया है? उनका काम था पोर्टल को सही तरीके से चालू कराना ताकि लोग अपनी फसल का पंजीकरण सही तरीके से कर सकें। एक भी पोर्टल सही से काम कर रहा है क्या? क्या पोर्टल के ऊपर जो भी किसानों ने डेटा फिल किया उसका कोई फायदा हुआ? खरीद के वक्त हजारों किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। उनका काम था सही समय पे किसानों को खाद उपलब्ध कराना, लेकिन खाद तो मिल नहीं रहा, जगह जगह पर किसान भटक रहा है। वो अपने काम में पूरी तरह से फेल साबित हुए। इंश्योरेंस को लेकर के हिसार सिरसा के इलाके में इंश्योरेंस कंपनी कमिटमेंट के बाद, किसानों की किश्त कटने के बाद इंश्योरेंस कंपनी भाग गई। सरकार ने कहा हम इंश्योरेंस कराएंगे, अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि उसका क्या हुआ, उसमें क्या कराया गया। यानी कृषि मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। कृषि मंत्रालय ठप पड़ा हुआ है, कृषि मंत्रालय पैरालिसिस की स्थिति में है। मैंने आपको एक एक करके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री, कृषि मंत्री, इतने सारे मंत्रालय इस सरकार के गिनवाए जो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जिनमें फाइलें आगे नहीं चल रही हैं, जिनके मंत्री अपनी बात मनवा नहीं पा रहे हैं, जिनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, और लोगों को उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के दिन में यह स्थिति हरियाणा की सरकार की है, पैरालिसिस की स्थिति में है, क्योंकि जन समर्थन खो चुके हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, बहुत सारे इफ बट होते हैं, इसलिए सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है, इसलिए सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मंत्रियों में, मुख्यमंत्री में थोड़ी भी शर्म बची है तो अपने अपने पदों को छोड़कर ऐसे जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी दें जो अगले एक साल तक कम से कम हरियाणा के लोगों को परेशानी से बचा सके। और पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में जहां सरकार पहुंच चुकी है हरियाणा की, उससे बाहर इसको निकाला जा सके ताकि लोगों को समस्याओं से नहीं जूझना पड़े। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, उसमें 1694 के करीब फाइलें बताई आपने, जिसमें से 1500 के करीब अभी तक नहीं निकाली गई, कौन सी फाइल है? क्योंकि आम लोगों की तो बहुत सारी शिकायतें इसमें। देखिए 1694 शिकायतें, उनको जब उन्होंने अलग अलग जगह जनसंवाद किया तो नगर निगम संबंधित उनको 1694 शिकायतें मिली थी, जिसमें नगर निगम के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो वो सालों से उनके अटके हुए थे लोगों के। उनको लगा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो एक उम्मीद जगी है, ऊपर से आदेश होगा, उनका काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुखिया भी अगर 1694 लोगों की शिकायतों में से 1532 को पेंडिंग रख देता है और उसको क्लियर नहीं कर पाता है तो कौन डिसीजन लेगा? जिन मामलों में मुख्यमंत्री भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं उनमें और कौन डिसीजन ले सकता है हरियाणा के अंदर? यानी ये शिकायतें कभी भी सुलझेंगी नहीं, इन लोगों की समस्याएं कभी भी सुलझेंगी नहीं। इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने इकबाल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर बयान दिया है सर, 11 जुलाई को हिसार में उनकी तरफ से एक कार्यक्रम किया जाने वाला है, आम आदमी पार्टी का क्या इस पर स्टैंड रहेगा? 11 जुलाई, 11 दिसंबर को। देखिए मुझे लगता है कि जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, किसी पद पर, संवैधानिक पद पर बिठाया जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी है उस पद से संबंधित कामों को अच्छे तरीके से करना, ना कि माइक हाथ में आने से, पद हाथ में आने से या कुर्सी मिल जाने से उल जुलूल बयानबाजी से बचना चाहिए। कृषि मंत्री पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो खाद सही समय पर उपलब्ध करा पाते, अगर वो इंश्योरेंस दिला पाते किसानों को, अगर वो मुआवजा समय पे दिला पाते और उसके बाद कोई कड़वी बात कहते तो शायद मंजूर किसी को होती, लेकिन ना तो वो अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं और उसके बावजूद कड़वी बात आप किसी के काम को लेकर कहें तो समझ में आता है। आप उसके परिवार के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर, उसकी बेटियों के ऊपर अगर कमेंट करेंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। हरियाणा का किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मंत्री बना करके रखती है। खेल मंत्री का उदाहरण हमारे सामने है, जो संदीप सिंह को महिला से छेड़छाड़ के आरोपी होने के बावजूद
इन्होंने बना करके रखा मंत्री, और अब कृषि मंत्री का उदाहरण हमारे सामने है जो किसानों के खिलाफ बयान देते हैं, किसानों का काम नहीं करते हैं, उसके बावजूद कृषि मंत्री बना के इनको सिर पे बिठाया हुआ है। हाल ही में सरकार द्वारा विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा जो है चलाई गई है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने जो भी काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, और वहीं पे जो लोग उससे पंजीकृत नहीं हुए उनको उनका पंजीकरण भी वहीं पे किया जाएगा। किस प्रकार देखिए, मुझे लगता है कि ये उनका पार्टी का अपना प्रोग्राम है, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितना ये लोग जनता के बीच में जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये काम नहीं कर पा रहे। अब ये जो जनसंवाद है उसकी रिपोर्ट कार्ड मैंने आपको दे दी, मुख्यमंत्री ने सारे जिलों में जनसंवाद किया, इतना प्रोपेगेंडा किया, सरकार का इतना पैसा खर्च किया, इतनी सिक्योरिटी, हमारे लोग तो अंदर जाते थे तो पिटवाते थे पुलिस से उनको, उसके बावजूद नतीजा क्या निकला? 1694 में से 1532 शिकायतें अभी भी पेंडिंग की पेंडिंग है। इसका मतलब ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके। अमित शाह जी जब आए थे हरियाणा में, लोग नहीं जुटे इनसे, इन्होंने सारी सरकारी बसें सरकारी कर्मचारियों को पूरे हरियाणा से इकट्ठा करने में लगा दी, उसके बाद ये कुछ लोग वहां पर कार्यक्रम में जुटा पाए। इसी तरह से ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके अपने चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं, लेकिन जितना ये लोगों के बीच में जाएंगे पिछले 9 साल में मिले हुए जख्म उतने ज्यादा हरे होंगे, लोगों को इनके जो काम इन्होंने नहीं किए वो दोबारा याद आएंगे और इनकी चुनाव में जमानतें जब्त होंगी।